हवन कुंड सजता है, पंडित जैसा दिखने वाला एक इंसान मंत्र पढ़ता है और स्वाहा की आवाज के साथ शुरू होता है हवन। इस आग में बिहार के सत्ताधारी पार्टी जदयू का संविधान जलाया जाता है और ये जलाने वाले लोग युवा राजद के नेता और कार्यकर्ता हैं। नीतीश कुमार की पार्टी का संविधान इसलिए जलाया जा रहा है क्योंकि उनकी पार्टी ने नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किया था। बिहार में भी अब कानून का रूप ले चुकी नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन तेज होने लगा है। इससे पहले बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 21 दिसंबर को बिहार बंद बुलाया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले नागरिकता संशोधन बिल जैसे काले कानून के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल 22 दिसंबर यानी रविवार को बिहार बंद करेगा। हम सभी संविधान प्रेमी, न्यायप्रिय, धर्मनिरपेक्ष दलों, गैर राजनीतिक संगठनों और आम जनमानस से अपील करते हैं बढ़ चढ़ कर इसे सफल बनाने में सहयोग दें। इसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया और तारीख बदलकर 21 दिसंबर कर दिया। तेजस्वी ने लिखा, बिहार बंद 21 दिसंबर शनिवार को रहेगा क्योंकि 22 दिसंबर को बिहार पुलिस बहाली की परीक्षा है। नौजवानों और परीक्षार्थियों को बिहार बंद के चलते परीक्षा स्थल पर पहुंचने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो, इसलिए बिहार बंद अब शनिवार 21 दिसंबर को रहेगा। लेकिन इससे पहले ही राजद लगातार नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रही है। नहीं, ये जो कैब बिल जो पास हुआ है पार्लियामेंट में और नीतीश कुमार जी उसका समर्थन किए, समर्थन का बिल पास करवाए, उनका जो संविधान है उसको अब आज हम लोगों ने जदयू के संविधान को जलाने का काम किया, क्योंकि उनका जो संविधान है उसमें जो लिखा हुआ है उसके विपरीत उन्होंने काम करने का काम किया है। देश को तोड़ने वाले बिल का समर्थन किया है, एक मुस्लिम विरोधी, दलित विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, आरक्षण विरोधी बिल का समर्थन किया है, अंबेडकर विरोधी, बाबा साहब का जो संविधान है उसके विरोधी नीतीश कुमार जी का स्वाहा किया गया है, गांधी विरोधी जो नीति है उसके खिलाफ, गांधी विरोधी जो नीति है उसका समर्थन करने का काम किया है, लोहिया विरोधी, कर्पूरी विरोधी, चामांग विरोधी। इसलिए हम लोगों ने नीतीश कुमार को स्वाहा करने का काम किया है, उनके जो तमाम नीति है उनके अंतरात्मा का स्वाहा किया है, उनके विचार का स्वाहा किया है। जिस तरह से पूरे देश जल उठा है, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने अंतरात्मा से सौदा करके जो उनके अंदर जो खाकी चड्डी है वो आज खुल के सामने आ गया है। पहले छुप छुप के थे, अब खुल के बाहर आ गया है, उसका हम लोगों ने स्वाहा किया है। देश की जनता, बिहार की जनता कभी नीतीश कुमार जी को माफ नहीं करने वाली है। आज ये साबित हो गया कि इस देश में एकमात्र नेता है जो भाजपा के विषैले दांत को तोड़ने का मादा रखता है, उसका नाम लालू यादव, तेजस्वी यादव है। आज तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ है, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, चलता रहेगा, और जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा, इस बिल का ये काला कानून खत्म नहीं किया जाएगा, यह आंदोलन जारी रहेगा। इसीलिए 21 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल ने, तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया है, पूरा बिहार हम लोगों का बंद रहेगा, शांतिपूर्ण बंदी हम लोग करेंगे और इस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं, करते रहेंगे। नीतीश कुमार जी के अंतरात्मा का जो RSS के हेडक्वार्टर में बंद है उसको भी ताला तोड़ के निकालने का काम करेंगे, उनके तमाम विचारों का स्वभाव।